नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों का गला इस तरीके से बेकार हो जाता है। किस तरीके से, वो आज इस वीडियो में हम करेक्टली आपको बताएंगे। जिनका अच्छा गला होता है उनका खराब हो जाता है, और जो खराब है तो वो तो खराब है ही है। जिनका अच्छा है वो गला किस तरीके से, कौन सी हारमोनियम और क्या होना चाहिए, किस तरीके से, किस साज से गाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर आज का ये वीडियो रहेगा। ये हारमोनियम आपको सब चीज का जवाब जो है, ये हमारी जो हारमोनियम ये वाली है, जर्मन की पेटी है ये, और दूसरी पेटी, दोनों पर जो है आपको हम करेक्टली बताएंगे कि क्या अंतर होता है दोनों में और क्यों आपकी आवाज खराब हो जाती है। इस बारे में इस वीडियो में पूरा आप बना रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया वीडियो आप लोगों को हम देते रहते हैं। आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या चीज़ होती है दोस्तों, इस एम में भी आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा संगीत सीख सकते हैं। इसमें हर प्रकार के आपको लेसन मिल जाते हैं। इन लोगों के साथ में बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा रिहाज करके बहुत अच्छा संगीत सीख सकते हैं। इसमें हर प्रकार के लेसन आपको मिल जाते हैं, जैसे भजन हो गए, गज़ल हो गए, राग हो गए, आप जो भी सीखना चाहें इसमें हर प्रकार के लेसन अवेलेबल हैं। इसे आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड उपयोग करें, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बात समझिएगा, यहाँ पर जो है, जैसे हमारे इस हारमोनियम में ये सिंगल लीड की है, ठीक है, वहीं पर हमारे पास दूसरी हारमोनियम है जिसकी आवाज जो है आप लोगों ने जरूर देखा होगा, वो है, ठीक है, आवाज सुनी होगी थोड़ी, अभी हम दिखाएंगे आपको उसमें। वहां से सी शार्प से हम आपको सिखाते हैं, अर्थात यहाँ से, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप क्लासिकल में सीख रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल में सीख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से आप गा लेंगे। अगर आप जो है देहाती में सीख रहे हैं, और आप जो है देहाती में सीखने के बाद भी आपका गला जब यहाँ से मैच नहीं करता है, मैच करता है तो किस तरीके से करता है, क्योंकि हारमोनियम आपके पास हो सकता है इस क्वालिटी की हो, डबल रीड की हारमोनियम ना हो आपके पास में, सिंगल रीड में हो, जिस पर ये आप देख रहे हैं सिंगल रीड की आवाज़ और ये डबल रीड की आवाज़, दोनों आवाज़ें आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अभी हम वो उसमें भी और इसमें भी दोनों में अंतर दिखाएंगे कि अंतर गलेबाजी क्यों खराब है गाने में और यहाँ से गाने में क्या फर्क हो जाएगा, वही चीज देखिए। अगर यहाँ से गाते हैं तो कितनी सुपर लग रही है और यहाँ से गाते हैं तो कितनी ताकत पड़ रही है, यही आपके साथ होता होगा। अब समझिएगा, पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो जो है यहाँ से हमने गाया तो कितना, मतलब कितना जो है अच्छा लगा थोड़ा। अगर उसी चीज को हम यहाँ से गाएं, जैसे आपके पास सिंगल हारमोनियम है, अगर उसी चीज को यहाँ से गाएं तो देखिए, अब यहाँ से उतनी आवाज ही नहीं उठेगी। है आंख वो जो श्याम के दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। अब यहाँ से देखो, है आंख वो जो श्याम के दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो है दुरे भरत मातो, बेकार। अब यहाँ पर बेकार से और यहां में कितना फर्क है ये बताइए हमको। आप इस हारमोनियम में, यानी कि सिंगल रीड की हारमोनियम में, आप यहां से उस चीज को गा रहे हैं, यानी कि तार सप्तक के सी शार्प से गा रहे हैं, आवाज आपकी मैच नहीं हो रही, आवाज फट जाती है, आप
तेज से गा रहे हैं। अब इसी चीज को जैसे हम अपनी क्लासिकल वाली हारमोनियम में गाएं, क्योंकि ये देसी हारमोनियम हमारी है, मतलब देसी का मतलब वो देसी नहीं, देसी का मतलब ही गांव देहात में तेज से गाने वाली। अब देखिए तेज से गाने वाली कैसी, मतलब इसका तार सप्तक जो है सी शार्प यहाँ से चालू होता है हमारा, यानी पीछे की रीड खत्म, सी शार्प हमारा यहाँ से चालू होता है। देखिएगा इधर बेटा पंखा चलाओ, ये चलाओ इधर, चलाओ ऐसे चलाओ, ये चलाओ पंखा, देखिएगा अभी दिखा रहे हैं बेट बच्चा है हमारा, पंखा चलाओ इस तरीके से, यहाँ ऐसे चलाओ, ये ऐसे चलाओ। अब देखो यहाँ से देखो इसमें, तो इसका सी शार्प यहाँ से और हमारे सी शार्प जो है यहाँ से मैच होगा। चलाओ कि हमारा कुल कहने का मतलब ये है कि हमारा सी शार्प जो है यहाँ से जो है हमारा तार सप्तक का सी शार्प जो है वो हमारा ये वाला होता है, ये ध्यान रखें ठीक है। तो हमें यहाँ से बजाना चाहिए, लेकिन समस्या क्या आ जाती है, क्योंकि हमें जो पीछे के स्वर मिलते हैं जैसे नी, हमारा कोमल नी हो गया है, कोमल धा हो गया है ठीक है, ये कोमल हमारा ये पा शुद्ध पा, जैसे हमारा जो है कोमल नी हो गया है, कोमल धा हो गया है, हमारा पा हो गया है, ऐसे ऐसे गीत होते हैं जो पा सा से चालू होते हैं, नी हमारा कोमल नी कोमल धा ये सब कुछ आते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप क्लासिकल की आप जो है सीख रहे हैं तो क्या करिएगा, आप जो है क्लासिकल की डबल लीड की हारमोनियम लीजिएगा। अगर आप देसी में सीख रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसी सार्क से सीखें, यहाँ से छोड़कर हम जी सार्क से सीखें ठीक है, यहाँ से कोई चीज को बजाना सीखें, कुछ भी सीखें, जो भी हमारी इच्छा है, जैसे अगर गांव देहात की आप गायकी सीख रहे हैं तो यहाँ से सीखेगा, यहाँ से आप नहीं सीख सकते हैं। अगर आप क्लासिकल में सीखते हैं तो आप जो है आप इस तरीके की हारमोनियम आपके पास उल्टा है, उल्टा सीधा है हारमोनियम ठीक है, यानी कि वो हारमोनियम अगर आपके पास, अगर आपके पास जो है आप क्लासिकल में सीख रहे हैं और आपके पास जो है इस तरीके की हारमोनियम है तो ठीक है, जैसे ये वाली वही चीज़ को हम देखिए यहाँ से गाते हैं ठीक है, और यहाँ पर कैसे गा सकते हो, नहीं गा सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे हमने गाया तो कितना परफेक्ट हुआ, अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि सी शार्प यहाँ का सी शार्प और हमारे हारमोनियम वो वाली हारमोनियम जैसे अगर सिंगल लीड की है तो उसका ये सी शार्प, आप वही गीत यहाँ से बजा सकते हैं, आपने अगर गला मैच कर लिया जो पीछे नहीं जाते हैं अर्थात कोमल नहीं कोमल धा पर नहीं जाते हैं ठीक है। कोशिश करिएगा अगर आप सी अगर देहाती सीख रहे हैं तो हम जी शार्प से सीखेंगे ठीक है, अगर हम क्लासिकल में सीख रहे हैं तो सी शार्प से सीखेंगे ठीक है। अब दोनों को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर एग्जांपल सपोज कि हम सी शार्प में अपनी देसी हारमोनियम पर फिल्मी गीत सीख रहे हैं तो गला मैच नहीं होगा, उतना करेक्टली नहीं होगा ठीक है, और आप अगर उठाकर उस चीज़ को गाना चाहेंगे तेज़ आवाज़ में गाना चाहेंगे तो आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँचेगी नहीं ठीक है। उसके लिए आप जो है यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पीछे के स्वर अगर आपको गीत में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से गा लीजिए तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप जो है पीछे के स्वर आ रहे हैं तो आप उसे नहीं प्ले कर सकते हैं ठीक है। अर्थात कोशिश कीजिएगा देहात में अगर बजा रहे हैं तो यहाँ से, और आप क्लासिकल में बजा रहे हैं तो यहाँ से, नहीं तो आप हारमोनियम चेंज कर दीजिएगा जैसा भी आप संगीत सीखना चाहें, चाहे देसी में या फिर हम क्लासिकल में या फिल्मी गीत कुछ भी सीखना चाहें तो हम इस तरीके की हारमोनियम लें जिस पर क्लासिकल और फिल्मी गीत सीखना चाहें। तो अगर हम ब्रजेश शास्त्री या मतलब जो है जैसे ओम प्रकाश जी हो गए हैं ठीक है, सुरेश अवस्थी जी हो गए हैं, उस लाइन की अगर हम कुछ भी देहाती लाइन में कथा भागवत कुछ भी सीख रहे हैं तो कोशिश करिएगा इन ऐसी जो है देसी हारमोनियम लाने की, और यहाँ से लेकर और जो यहाँ इन स्वरों के बीच में ही आप अभ्यास कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 2 3 4
दो काली छोड़कर चार कालियों पर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो है नॉलेज हमने थोड़ी आपको दी है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा नहीं बल्कि ये जो है हर एक सिंगर से आप किसी से भी पूछ लें वही सब यही बात बताएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो है आप वहाँ से ट्राई करेंगे यहाँ से अगर कच्ची चीज़ को तो वहाँ से आप प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तेज से होती है, जैसे ढोला हमारा हो गया कितनी जोर से तेज चिल्लाते हैं, है ना, तो वो यहाँ से तो यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो अर्थात जो है कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास हारमोनियम इस तरीके की है, आप क्लासिकल में सीख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप जो है देसी में सीख रहे हैं तो जो है आप यहाँ से, हाँ ये चीज़ है, और एक इस हारमोनियम में दोनों चीज़ें बजा सकते हैं, इसमें जो है ये आप क्लासिकल में देसी में चाहें तो यहाँ से बजा सकते हैं, लेकिन दुगन नहीं दे सकते हैं, दुगन इसकी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बजा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये देसी तरीका हमारा देसी तरीके से समझाने का तरीका हो गया है और करेक्टली है, चाहे आप कितना भी बड़े सिंगर से या हारमोनियम वादक से पूछ लीजिए सब यही बताएंगे, अगर वो क्लासिकल की नॉलेज रखते हैं फिल्मी गीतों की और उस पर गाने का गले का क्लासिकल चीज़ों का रियाज करते हैं गाते हैं तो आपको वो यही राय देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने।